हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। और बच्चों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। तो 2.3 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अब देखिए जो एक्सरसाइज 2.3 है वो पूरी बेस किस पर है, फंक्शन पे। तो अगर फंक्शन ही क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज हम क्या करेंगे। तो इसके लिए पहले आप उसको देख लीजिएगा, देन आप प्रोसीड करिएगा 2.3 पे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, इसमें से कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन दिया है। गिव रीज़न, हमें रीज़न देना है क्यों, अगर रिलेशन है तो क्यों है, सॉरी कौन सा हमारा फंक्शन है और क्यों है। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं अगर हमारे ये क्या फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, ठीक है। तो मैंने फंक्शन क्या बोला था, फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें क्या होता है, डोमेन के हर एक एलिमेंट्स की क्या होती है, यूनिक इमेज मिलती है हमारी कोडोमेन में, ठीक है। मीनिंग क्या है, हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी हमारी कोडोमेन में, ठीक है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, 2.1, तो 2 की हमारी एक इमेज मिल रही है 1, तो 2 की कंडीशन फॉलो हो रही है। आगे देखिए 2 की, तो हमें कोई इमेज नहीं मिल रही है, तो 2 के साथ कंडीशन फॉलो हो रही है, 2 की एक ही इमेज मिल रही है। 5 में आ जाते हैं, तो 5 में देखिए 1 है और 5 की और कोई इमेज नहीं है। 8 में आ जाते हैं, तो 8 में भी क्या है, एक ही इमेज है, आगे कोई इमेज नहीं दी है। तो सभी फंक्शन की सभी ऑर्डर्ड पेयर में देखिए सभी की एक ही इमेज है हमारी, 2 की भी 1 ही है, 5 की भी 1 ही है, 8 की भी 1 है, 11 की भी 1 है, ठीक है। तो कह रहे हैं फंक्शन है तो रीज़न क्या देना है, तो रीज़न ये देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, क्लियर ना। हर एक एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है किसमें, कोडोमेन में, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, इसका रीजन क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज अ फंक्शन, ये हमारा क्या है, फंक्शन है, क्लियर ना, ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो पहला हमने पार्ट ये कर लिया कि हमारा फंक्शन क्यों है, रीजन दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, कह रहे हैं कि अगर फंक्शन हो तो उसकी डोमेन रेंज क्या आएगी, ठीक है। तो डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन देख लेते हैं। तो हमें पता है जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट का, उसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो किस में होगा, डोमेन में होगा, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो उस किस में होगा, रेंज में होगा, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट से जो हम सेट बनाएंगे वो हमारा डोमेन बनेगा, जो सेकंड कंपोनेंट है उससे हम सेट जो बनाएंगे वो हमारी क्या, रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। तो डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, 2 है, 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, डोमेन बन गया। बात करते हैं रेंज की, तो रेंज हमारी क्या आ जाएगी, तो रेंज हमने क्या बोला था, जो सेकेंड कंपोनेंट आएगा वो क्या आपकी रेंज बन जाएगी। तो सेकेंड कंपोनेंट देखिए क्या है, तो सब में क्या 1 है, तो आपका रेंज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए 2 की एक इमेज हमारी मिल रही है 1, और देखिए 2 की कोई इमेज नहीं मिल रही, ठीक है। 4 में देखिए 4 की भी एक ही इमेज 2 मिल रही है, 6 की भी यूनिक इमेज हमारी 3 है, 8 की भी यूनिक इमेज 4 है, 10 की भी 5 है, 12 की भी 6 है, 14 की भी 7 है, सभी की यूनिक इमेज मिल रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, ठीक है, देन इट इज़ अ फंक्शन। तो ये भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट किया बस सेकेंड पार्ट हो जाएगा। अब क्या है, जो बात करेंगे डोमेन की, तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट आपका होगा उससे जो सेट तैयार होगा वो आपका डोमेन बन जाएगा।
और जो सेकेंड एलिमेंट है, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 एंड 14 आपका डोमेन में आ जाएगा। और जो आपका सेकेंड एलिमेंट है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 वो आपका किस में आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा, ठीक है, आप कर लेंगे। थर्ड में देखिए क्या है, तो थर्ड में देखिए पहले तो चेक करना है आपको ये फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए 1 की इमेज भी क्या है, 3 है, और 1 की इमेज हमारी 5 भी है, तो 1 की हमारी क्या है, 2 इमेज है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट कराना है, सेकंड आप करिएगा, लिखेंगे सिंस 1 हैज 2 इमेज, वन हैज टू इमेज 3 एंड 5, वन की हमारे पास क्या है, 2 इमेज है, एक 3 है एंड 5 है, ठीक है, इट इज नॉट अ फंक्शन। हमें क्या पढ़ा था, यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो यूनिक इमेज हमारी है नहीं, तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब कह रहे थे अगर फंक्शन हो तो उसकी डोमेन रेंज फाइंड करानी, जब ये फंक्शन ही नहीं तो हमें डोमेन रेंज फाइंड ही नहीं करनी, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन देखते क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड कराना डोमेन रेंज, ठीक है। तो डोमेन रेंज कैसे फाइंड कराते हैं, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए गिवन क्या है, जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स है वो आपका क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स आपका है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, क्या है, मॉड ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मॉडुलस ऑफ एक्स, अब देखिए जब बात करेंगे डोमेन की, जब बात करेंगे डोमेन की और निकालेंगे क्या, रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो डोमेन रेंज में होता क्या है, आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और क्या निकालेंगे, वाई निकालेंगे। जब आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था एक्स कॉमा वाई, तो उसमें क्या था, आपका एक्स जो था वो आप किसका, किसमें आता था, आपका डोमेन में, क्या बोलते थे वो, डोमेन में डोमेन का एलिमेंट होता था, ये वाई क्या आपका होता था, तो ये आपका रेंज होता था, ठीक है। अब देखिए आपका ये एक्स एक्स ही रहेगा, जो वाई है ये फंक्शन ऑफ एक्स बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स बन जा रहा है, क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू पुट करके आप क्या, फंक्शन ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो डोमेन हो जाएंगी। एक्स की जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे वो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। जो फंक्शन की वैल्यू एक्स पुट करने के बाद आएगा तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए करते हैं, तो पहले तो ये चेक करिए, जो माइनस का मॉड ऑफ एक्स है तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपका जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन होगा वो या तो जीरो आ जाएगा या जीरो से वैल्यू उसकी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, तो देखिए आप एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखिए, मैंने पहले जीरो रख, तो जीरो का मॉडुलस लेंगे वो तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, निगेटिव जीरो होता नहीं है तो हमारा जीरो ही आएगा। तो या तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या जीरो मिल जाएगी, या आप एक्स की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव निगेटिव कोई भी रख के देखिए, तो हमें पता है मॉडुलस क्या करता है, वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, लेकिन साइन बाहर माइनस का लगा हुआ है। तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, हमारा माइनस में ही आंसर आना है, मीनिंग क्या, फंक्शन हमारा क्या निगेटिव आना है। तो एफ एक्स हमारा क्या है, क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल टू जीरो ही आएगा। कब, जब एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, जब एक्स हमारा क्या हो, कोई भी रियल नंबर हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग आर, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो बात करते हैं डोमेन की, ठीक है। तो डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगी, तो डोमेन आप यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एक्स की आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो हम कोई भी रियल नंबर में क्या है, सारी रियल नंबर। तो फंक्शन ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर, ठीक है। आपका कोई भी रियल नंबर हो सब पे क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं रेंज की, ठीक है। तो रेंज क्या है, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो हमारी रेंज में होगी। मैंने अभी बताया था एक्स कॉमा एफ एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो एफ एक्स आएगा, तो एक्स हमारा आएगा डोमेन में, एफ एक्स आएगा कोडोमेन में, और एक्स की हमारी एक इमेज मिल रही है एफ एक्स। एक्स का क्या हो रहा है, एक्स का रिलेशन हो रहा है एफ एक्स के साथ, तो ये एफ एक्स हमारी इमेज बन जाएगी। एक्स क्या बन जाएगा, एक्स हमारा बन जाएगा क्या, डोमेन का एलिमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा डोमेन, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। आपने पढ़ा था फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, डोमेन, सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है, रेंज।
तो हमने x की वैल्यू पुट की, तो x हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, और x x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रखिए, हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर या तो जीरो आएगा या क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, अभी मैंने देखा, ठीक है। तुम्हारा जो रेंज इसकी आएगी वो क्या होगी, जीरो होगी, और जो हमारे नेगेटिव क्या है, जो नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है, तो क्या कह देंगे, जो हमारा जो हमारी रेंज आएगी वो क्या आएगी, रेंज हमारी क्या आएगी, तो रेंज हमारा कोई भी एलिमेंट आएगा, कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी जो आर में बिलोंग कर रही होगी, ठीक है, मतलब कोई एक रियल नंबर होगा, बट कंडीशन क्या होगी, ये जो रियल नंबर है वो क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल टू जीरो आएगा। इसको एक्स नहीं वाई कर देते हैं, क्योंकि एक्स हम ले चुके हैं, ठीक है। तो रेंज हमारी क्या आ जाएगी, रेंज हमारा कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, बट कंडीशन क्या है, ये जो रियल नंबर आना चाहिए वो जीरो से इक्वल, जीरो के इक्वल या जीरो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का डोमेन रेंज। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, हम मैंने बोला x की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारी किस में आ जाएंगी, डोमेन में, ठीक है। और x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका एफ एक्स निकल के आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो रेंज बन जाएगा, क्लियर ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हमारा न्यूमरेटर का टर्म दिया हुआ है, मैंने क्या बोला था न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो जीरो होना चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारा डिफाइन हो जाएगा कब, जब इसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या कह देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स जो है एफ एक्स इज डिफाइन, एफ एक्स इज डिफाइन फॉर कब, जब हमारा फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो। मैंने बोला था जब न्यूमरेटर दिया हो तो न्यूमरेटर को क्या करा देते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो करा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन है क्या, तो ये हमारा दिया हुआ है रूट स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर हम उधर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, तो देखिए आप यहाँ पे ये गलती ना करिएगा कि आपने x इक्वल टू लिखा, ये लिखा हुआ है 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने क्या किया, इसको लिखा कि प्लस माइनस 3 आएगा और कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये आप कभी गलती ना करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे आप ये बता रहे हैं x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 3 है, मतलब x की वैल्यू हमारी 3 है, तो x की वैल्यू 3 से क्या है, छोटी है और उसके बराबर है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू क्या है, माइनस 3 है और उससे क्या है, छोटी है। इसमें क्या है, इससे दो कंडीशन निकल रही है। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, आप ये भी बात बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं, बोलिए, तो ये गलत है। देखिए जब x की वैल्यू हमने क्या कहा है, हमारी वैल्यू एक पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 3 हो भी सकती है और उससे क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी, लेकिन बाद में कह रहे हैं x की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस 3 होगी और माइनस 3 से छोटी होगी। तो यहाँ माइनस 3 से छोटी की बात हमारा, तो माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 ये ऐसे आती चली जाएंगी, ठीक है, और माइनस 3 भी होगा। और यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं 3 से क्या हो, 3 से छोटी हो, 3 के बराबर तुम्हारा क्या आएगा, 3 2 1 0 ऐसे वैल्यू आएंगी। तो देखिए अब दोनों कहने का मतलब क्या है, चेंज है। तो जब दोनों कहने का मतलब चेंज है तो ये कंडीशन हमारी क्या गलत है, ठीक है। ये आपका लीनियर इनक्वालिटी है, उसमें पढ़ेंगे हम डिटेल से, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगी आपकी, आपका आ जाए 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, तो आप लिख देंगे x की वैल्यू क्या होगी, x वैल्यू हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगी, माइनस 3 होगी, और x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू क्या होगी, प्लस 3 होगी, ठीक है। मतलब जो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 ले सकते हैं, तो x की वैल्यू माइनस 3 से क्या लेना, बड़ी लेना, प्लस 3 से क्या लेना, छोटी लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, तो x की वैल्यू माइनस 3 से बड़ी और इसके इक्वल कोई भी ले लें, और x की वैल्यू क्या 3 के इक्वल और 3 से छोटी भी कोई ले लें, ठीक है। मतलब क्या माइनस 3 से 3 के बीच की कोई वैल्यू ले लें, उस पर क्या हो जाएगा, उस पर x की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हो जाएगी। तो मीनिंग क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, माइनस 3 कॉम 3, मीनिंग क्या है, x की वैल्यू बिलोंग कर जाए माइनस 3 से 3 के बीच में, ठीक है, क्योंकि 3 भी शामिल है, इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो माइनस 3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू
एक्स ही हो सकती है, ठीक है। तुम्हारी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल -3, 3, ठीक है। डोमेन क्लियर हुई, अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला था एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और उससे क्या निकाल देंगे, एफ एक्स निकाल देंगे। तो एक्स की वैल्यू आप -3 से 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन आपका ये रहा, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले पुट किया है, हमने पढ़ा है कि -3 से 3 के बीच में कोई वैल्यू, तो मैंने पहले पुट कर दिया -3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या आएगा, 9 माइनस और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 आएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 की बात आपका क्या हो सकता है, -2 हो सकता है। तो ये क्या आया, मैंने 9 -2 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9 -4 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, √5 आ गया, ठीक है। ऐसे हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, फिर 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आती चली जाएंगी। और चेक करते हैं, जैसे मैंने किया 9 -1 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा, √9 -1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे तो आएगा 9 -0 स्क्वायर, तो ये हमारा √9 ही आ जाएगा, मीनिंग क्या, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब हम -+1 रखेंगे तो +1 रखेंगे दोबारा, हमारा क्या यही 80 रिपीट होगा। जब +2 रखें तो हमारा 5 आ जाएगा, और जब +3 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो आती है रेंज में, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स की रेंज क्या आ रही है, तो एफ एक्स की रेंज हमारी क्या आ रही है, हमारी 0 क्या है, मिनिमम वैल्यू है, 0 सबसे क्या छोटी वैल्यू है, और 3 हमारी क्या सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो 0 से 3 के बीच की वैल्यू आएंगी। अब कहेंगे सर इसमें तो आपने खाली 400 की हैं, तो देखिए मैंने खाली जो आपके इंटीजर हैं उनको ले लिया, और रियल नंबर में आप डेसिमल भी ले सकते हैं, इरेशनल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 0 से 3 के आप इसको सॉल्व करेंगे, एफ एक्स को सॉल्व करेंगे, तो उसमें वैल्यू क्या है, सबसे कम -3 है और सबसे ज़्यादा क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो सबसे कम जो -3 है उस पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होगी 3 उस पर भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो मीनिंग क्या है, 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, वो 3 आ रही है, तो मीनिंग क्या है, 0 से 3 के बीच में बिलोंग कर रही है। तो रेंज जो आएगी वो कहाँ आएगी, तो रेंज हमारी आएगी क्लोज इंटरवल 0 से कहाँ तक, 3 के बीच में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेंज क्या होगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, अगर आपको फोर्थ आ गया तो थर्ड, आप थर्ड भी इजीली लगा लेंगे। करना क्या है, बस हमें जो एक फंक्शन दे रखा है उसमें क्या है, जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करा के उसकी वैल्यू फाइंड करा लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या, देखिए द फंक्शन टी मैप्स टेम्परेचर इन सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट इज डिफाइंड बाई TC इक्वल टू 9C/5+32, ठीक है। कह रहे हैं कि क्या है, एक रिलेशन दिया है फॉरेनहाइट और सेल्सियस का, ठीक है। अगर आपको सेल्सियस की वैल्यू पता है तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, फॉरेनहाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कह क्या रहे हैं, हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी हैं, कह रहे हैं उस पर फाइंड कराना है, अगर सेल्सियस हमारा 0 है तो उसकी फॉरेनहाइट वैल्यू क्या आएगी, अगर सेल्सियस हमारा 28 है तो उसकी फॉरेनहाइट वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो हमारा इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे और क्या निकाल, TC निकाल लेंगे, वही हमारी क्या होगी, फॉरेनहाइट वैल्यू होगी, ठीक है। देखते हैं पहला पार्ट, ठीक है। तो पहले देखिए TC क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा है 9C/5+32, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, तो हमें सेल्सियस की वैल्यू जो है वो 0 पे चेक करनी है, जब सेल्सियस हमारा 0 हो, 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें फारेनहाइट कितने आएंगे, ठीक है। तो जहाँ देखिए C को मैंने रिप्लेस किया है 0 से, तो आप इक्वेशन में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ सी आया वहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, 9×0/5+ क्या आएगा, 32। तो देखिए कहीं मल्टीप्लाई में 0 होता है तो वो टर्म 0 ही बन जाता है, तो क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, और आगे क्या बचा हमारा, 32। तुम्हारी क्या वैल्यू आएगी, 32, ठीक है। मीनिंग क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा, 32 फारेनहाइट के इक्वल है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, टी हमारा 28 है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर सी आया वहाँ पे क्या रखेंगे, 28। तो हमने क्या किया, 9×28/5+ क्या कर देंगे, 32, ठीक है। 32 के अपॉन में क्या किया, 1 किया,
अब यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको आप सॉल्व कराएंगे, आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए देन मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करिए, ठीक है। जब टीएमआई निकालना है माइनस टेन, टी की वैल्यू माइनस टेन पे चेक करनी है, जब सेल्सियस हमारा क्या हो माइनस का टेन, ठीक है। तो ये क्या आएगा, नाइन इंटू माइनस टेन अपॉन में क्या आएगा फाइव, प्लस क्या आ गया आपका 32। तो देखिए फाइव से ये हमारा कैंसिल हो सकता है टू टाइम, ठीक है, और ये माइनस टू टाइम आएगा, तो ये हमारा क्या आ गया देखिए नाइन इंटू माइनस टू प्लस क्या आएगा हमारा 32। तो ये हमारा क्या क्या आएगा माइनस का 18 प्लस 32, मीनिंग क्या है प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 14 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। बात करते हैं लास्ट पार्ट की, तो लास्ट पार्ट में देखिए क्या है, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टीसी इक्वल टू 212, कह रहे हैं सी की वैल्यू क्या आएगी, मीनिंग क्या है अब सेल्सियस वैल्यू क्या आएगी जब हमारी फॉरेनहाइट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, आपका जो टीसी है वो आपका कितना है 212 है, तो टीसी आपका गिवन क्या है देखिए, तो टीसी आपका है 9c/5 प्लस 32 इक्वल टू कितना है आपका 212, ठीक है। तो 9c/5 इक्वल टू आपका क्या आएगा 212 माइनस का 32, करिए इसको 2 से 2 माइनस क्या 0 आ गया, 11 से 3 किया हमारा क्या आ गया 8 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, तो ये क्या है 9c/5 अपॉन में 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। तो जब 9c की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा क्या आएगा 9c, 18 की 5 से कराएंगे तो कितना आएगा हमारा 900, तो c इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो जब हमारा फॉरेनहाइट स्केल 212 होगा तो हमारा जो सेल्सियस स्केल होगा वो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो और बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको खाली फंक्शन की रेंज ही फाइंड करानी है, तो रेंज कैसे फाइंड कराते हैं मैंने आपने सेकंड क्वेश्चन में देखा, क्या करते हैं एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और उससे जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है रेंज होती है, ठीक है। तो आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उससे क्या आ जाएगी उसकी रेंज, ठीक है। थैंक यू।